जॉब जॉब्स एंड करियर में मैं आपको स्वागत करता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। जॉब रिलेटेड टॉपिक है आपके लिए, हाउ टू फाइंड ए जॉब इन यूरोप। यूरोप में कैसे आपको नौकरी मिलेगा उसके ऊपर काफ़ी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। मेरे पहले वाले काफ़ी सारे वीडियोज हम बना चुके हैं यूरोप के बारे में, यूरोप में कैसे काम करोगे, कैसे आपको यूरोप में काम मिलेगा। वैसे ही यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़ के ऊपर, हर देश के ऊपर वीडियोज हम बना चुके हैं। हाउ टू फाइंड जॉब्स इन यूके, हाउ टू फाइंड जॉब्स इन जर्मनी, हाउ टू फाइंड जॉब्स इन जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोर्चुगल, स्वीडन, नॉर्वे, रशिया, ऑल द कंट्रीज इन द यूरोपियन यूनियन हमने वीडियोज बना चुके हैं। तो आज का टॉपिक है आपको कैसे यूरोप में नौकरी मिलेगा। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स एंड बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हमें ईमेल्स करते रहते हैं एवरी डे। मुझे करीब 25-30 ईमेल्स आता रहता है कि सर यूरोप में नौकरी करना है, क्या प्रोसीजर है। देखिए मैं आपको, मैं एक कंसल्टेंट हूँ, मैं ग्लोबल इंटरनेशनल कंसल्टेंट हूँ, मैं कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी मेरा नहीं है, लेकिन एज ए कंसल्टेंट मैं आपको मदद करूँगा कैसे आपको यूरोप में नौकरी मिलेगा। तो मेरे वीडियोस को, मेरा डिटेल्स को आप ध्यान से सुनिएगा। तो मैं कोई आपको गलत एडवाइस नहीं दूंगा, मैं आपको गलत एडवाइस नहीं दूंगा ताकि वो फॉलो करे, क्योंकि मैं आपको जो भी बताऊंगा फैक्ट बताऊंगा ताकि आप मेरे वीडियोस को, मेरे फैक्ट को फॉलो करके आप प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो। तो कुछ रास्ता है, कुछ प्रोसीजर है, कुछ वेज है जो यूरोप में काम करने के लिए आसान हो जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं जो यूरोप में काम करने के लिए जाना चाहते हो, जॉब सीकर्स इन द फॉर द यूरोपियन कंट्रीज। जॉब सीकर्स को हम तीन भाग में डिवाइड करते हैं, एज ग्रुप में। एज ग्रुप में तो एज ग्रुप हो गया, पहला एज ग्रुप है 18 to 25, 18 to 25, 18 से 25 साल के अंदर जो युवा है, यूथ है, नौकरी करना चाहते हो, आप मेल हो फीमेल हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 से 25 साल के अंदर जो एक एज ग्रुप है, ये एक एज ग्रुप को एज ग्रुप रख लीजिए 18 to 25, और एक एज ग्रुप है 25 to 35, और एक एज ग्रुप है 35 to 50। तो तीन एज ग्रुप हम बना लिया। तो पहले हम बात करेंगे तो एज ग्रुप 18 to 25 में जो एज ग्रुप है उनके लिए क्या प्रोसीजर है यूरोप में नौकरी करने के लिए। देखिए यूरोपियन कंट्रीज को यूरोपियन कंट्री चाहते हैं कि एक्सपीरियंस्ड लोग आके काम करें, एक्सपीरियंस्ड लोग। तो 18 से 25 साल के अंदर जो युवा है नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उनके, आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं रहता है, और आपको क्या करना है तो आपको स्टूडेंट वीज़ा में जाना है, क्योंकि यूरोप में हमने देखा है बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो यूरोप को भेज देते हैं विजिट वीज़ा में। ठीक है, यूरोप में 26 कंट्रीज है जो सेनेगन कंट्रीज है, 27 कंट्रीज मिला के यूरोपियन यूनियन है, और 26 कंट्री है उनमें सेनेगन कंट्रीज है। पहले 28 कंट्रीज था, 28 कंट्रीज को मिलाकर मतलब कहा जाता था ये यूरोपियन यूनियन, ईयू। फिलहाल यूके ब्रेग्जिट के वजह से यूके निकल गया, यूके छोड़ दिया ईयू को, तो 27 ईयू कंट्रीज है, और उसमें से एक बात एक निकाल दीजिए तो 26 सेनेगन कंट्रीज है। तो सेनेगन कंट्रीज में क्या होता है, आप कोई भी कंट्री में, कोई भी सेनेगन कंट्री में एंट्री हो गया, वहाँ से आप बस या ट्रेन के जरिए या कार के जरिए आप कोई भी कंट्री को जा सकते हो। ये एक अच्छा उनका प्रोसीजर है, उनका एक अच्छा नियम है इन द सेनेगन एरियाज। लेकिन क्या होता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, यहाँ से और अफ्रीकन कंट्रीज से बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे जॉब सीकर्स सेनेगन कंट्री में चले जाते हैं, कोई भी कंट्री में चले जाते हैं, फिर वहाँ से जर्मनी, नॉर्वे या कोई भी कंट्री में जाकर इलीगली काम करते हैं। ठीक है, इलीगली काम करते हैं, फिर वो लॉयर को पकड़ते हैं, लॉयर को कॉन्टैक्ट करके पेमेंट पैसा दे के 5,000 से लेकर 10,000 15,000 यूरो पे करते हैं, फिर वो 2 साल 3 साल 5 साल के अंदर उनका लीगल पेपर बनता है। ठीक है, लेकिन इसमें अगर आपको पुलिस पकड़ता है आपको हैवी फाइन करेगा, डिपोर्ट भी कर सकता है, लेकिन ये रास्ता आप मत अपनाइए, आप लीगल वे में जाइए, लीगल वे में आपको आसान होगा। तो लीगल वे क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सो 18 to 25 एज के अंदर जितने सारे आप यूथ हो, जितने सारे बच्चे हो 18 से 25 साल के अंदर, तो आपके पास एज है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अगर 10th पास हो तो आप कोई भी कंट्री चूज कर लीजिए, उस कंट्री को आप जाइए लैंग्वेज सीखने के लिए। ठीक है, अगर आप इटली में काम करना चाहते हैं तो इटली जाइए इटालियन लैंग्वेज सीखने के लिए। जर्मनी में आप काम करना चाहते हो तो जर्मनी जाइए,
जर्मन लैंग्वेज सीखिए, अगर आप पोलैंड जाना चाहते हो पोलैंड जाइए पोलिश लैंग्वेज सीखने के लिए, अगर आप फ्रांस जाना चाहते हो फ्रांस में जाकर फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए जाइए। तो आपका वहाँ बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऑफर करता है, लैंग्वेज कोर्सेज ऑफर करता है, तो कोई भी कंट्री आप चूज कर लीजिए, चूज करके वहाँ से आप यूनिवर्सिटी से अप्लाई करके आप लैंग्वेज ट्रेनिंग में जा सकते हो। और लैंग्वेज ट्रेनिंग नॉर्मली 1 साल का रहता है, 1 साल पढ़ाई कर लीजिए, लैंग्वेज ठीक से सीखिए, B2 लेवल तक, B2 या C1 लेवल तक वो लैंग्वेज में आप परफेक्ट बन जाइए। और जैसे ही आपको 7-8 महीना होता है, 7 to 8 months, 1 साल कंप्लीट होने के लिए और 4-5 महीना बाकी रहता है, फिर आप नौकरी ढूंढना चालू कर दीजिए, ठीक है, नौकरी ढूंढना चालू कर दीजिए, जॉब आपको मिल जाएगी उस कंट्री में। जॉब मिलने के बाद, क्योंकि आपको लैंग्वेज आता है, जॉब जैसे मिल जाता है फिर आप आपका जो एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट कर लीजिए, जैसे ही आपका कंप्लीट होता है कोर्स, आप एग्ज़ाम दे के आपको आपका जो एम्प्लॉयर से बात करके एम्प्लॉयर आपको ऑफर लेटर वगैरह देगा, कॉन्ट्रैक्ट पेपर वगैरह देगा, आप साइन करके वीज़ा वगैरह आपके लिए अप्लाई करेगा एम्प्लॉयर, फिर इंडिया आ जाइए। इंडिया आने के बाद वेट कर लीजिए, एम्प्लॉयर आपको लीगल वीज़ा भेजेगा, वर्क परमिट भेजेगा, फिर दोबारा वर्क परमिट में उस कंट्री में जाकर लीगली नौकरी करिए, ये लीगल वे है, ठीक है। और ये बता दिया आपको 10th पास है उनके लिए, लेकिन जो 10th पास नहीं है, जो बिल्कुल उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस सॉरी उनके पास एजुकेशन नहीं है, तो उनके लिए क्या रास्ता है, 18 to 25 जो साल है उनके लिए क्या उनके लिए प्रोसीजर है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है। तो एजुकेशन तो ईस्ट यूरोपियन कंट्री हो गया, ईस्ट यूरोप में हो गया आपका आर्मेनिया, जॉर्जिया, यूक्रेन एक अच्छा कंट्री था, यूक्रेन रशिया अच्छा कंट्री था, अभी फिलहाल वार में है। तो आर्मेनिया है और एक कंट्री है जॉर्जिया है और मोल्डोवा है, ये सब कंट्रीज है। वहाँ पर यूनिवर्सिटी ज़्यादा करके वो पूछता नहीं आपका क्वालिफिकेशन क्या है, वो पूछता है लैंग्वेज कोर्स करना है, कोई भी आके लैंग्वेज कोर्स कर सकता है, वो अनपढ़ हो या बिजनेसमैन हो, उनका एज का भी पूछते नहीं है। तो आप इन्हीं कंट्रीज में जाकर लैंग्वेज सीखिए, लैंग्वेज सीखने के बाद आर्मेनिया, जॉर्जिया, मोल्डोवा, ये जो कंट्रीज है, इन्हीं कंट्रीज में जो बॉर्डर ऑफ यूरोप में लोकेटेड है, इवन तुर्की, लेकिन तुर्की से थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ईजी है आर्मेनिया, मोल्डोवा, आपका हो गया जॉर्जिया, ठीक है। ये सब कंट्रीज में जब आप लैंग्वेज कोर्स करोगे तो आपके पास रेसिडेंसी वीज़ा रहेगा 1 साल का। तो इन्हीं कंट्रीज़ में बहुत सारे रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो यूरोप के लिए रिक्रूट करते हैं लीगली, ठीक है। तो आप क्या करिए, इन्हीं कंट्रीज़ में लैंग्वेज करने का टाइम पे इन्हीं कंट्रीज़ में रिक्रूटमेंट एजेंसी को कॉन्टैक्ट कर लीजिए, तो रिक्रूटमेंट एजेंसी इन्हीं कंट्री में तो आपको मदद करेंगे और आपको ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे, मैक्सिमम आपको $500 से लेकर $1000 चार्ज करेंगे। वो पैसा भी आपको बाद में देना पड़ेगा, आपको पहले ऑफर लेटर वगैरह दे देंगे। जैसे कि आपने जाके आर्मेनिया में जर्मनी, आपको जर्मनी जाना चाहते हो तो जर्मनी में जाकर आर्मेनिया में जाकर जर्मन लैंग्वेज सीखिए, 1 साल का कोर्स है सीखिए, फिर आर्मेनिया में बहुत सारे रिक्रूटमेंट एजेंसी है तो उनका द्वारा अप्लाई कर लीजिए जर्मनी के लिए। और जर्मनी का जैसा ही आपका काम हो जाता है, आपको आर्मेनिया में क्या करिए, अगर आपके पास पैसा है आर्मेनिया या आप जॉर्जिया या मोल्डोवा में, सेकेंड इंडिया मत आइए, वहीं पर 1 साल का जर्मन कोर्स कर लिया। एग्जाम्पल आपने 1 साल के अंदर कुछ आपका जॉब नहीं हो रहा है जर्मनी के लिए, तो सेकेंड ईयर नेक्स्ट ईयर में आप उसी यूनिवर्सिटी में और कुछ कोर्स कर लीजिए, जैसे कि आप स्वेडिश कोर्स कर लीजिए या कुछ पोलिश कोर्स कर लीजिए या इटालियन कोर्स कर लीजिए, ताकि आपको 1 साल का वीज़ा और मिलेगा, फिर आप ट्राई कर लीजिए। और जैसे ही आपके पास रेजिडेंसी वीज़ा है जर्मन का सॉरी आर्मेनिया का या मोल्डोवा का जॉर्जिया का, आपको इजीली यूरोपियन यूनियन का वीज़ा मिल जाएगा इजीली वहीं से। तो आप क्या करिए, 1 साल जैसे ही कंप्लीट होने को आता है तो आर्मेनिया या जॉर्जिया मोल्डोवा में बहुत सारे रिक्रूटमेंट एजेंसी है यूरोप के लिए काम करते हैं, वहाँ पर जाके अप्लाई कर लीजिए, फिर वो लोग आपको काम अरेंज करके देता है। जैसे ही काम हो जाता है तो आपको पेमेंट कर रहा है उनको, जैसे वीज़ा मिल जाता है, फिर क्या होता है वो रिक्रूटमेंट एजेंसी आपके लिए मंगा लेते हैं, पेपर मंगा लेते हैं, वीज़ा वर्क वीज़ा डॉक्यूमेंट्स मंगा लेते हैं, आप सिग्नेचर वगैरह करके दे दीजिए, फिर जर्मनी में आपका एम्प्लॉयर आपके लिए वीज़ा अप्लाई करेगा। जैसे वीज़ा डॉक्यूमेंट्स रेडी होता है वो आर्मेनिया भेज देंगे, फिर आर्मेनिया में आप लीगली जर्मन एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई कर लीजिए, वर्क परमिट अप्लाई कर लीजिए, और जैसे आपको वीज़ा स्टैम्प हो जाता है फिर आप जर्मनी चले जाइए। वैसे ही सेम आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आर्मेनिया एंड टर्की, एंड आप कर सकते हो जॉर्जिया, मोल्डोवा,
यूक्रेन एक अच्छा कंट्री था, यूक्रेन यूक्रेन बहुत अच्छा था, लेकिन यूक्रेन में वार स्टार्ट हो गया। बेलारूस और रशिया अच्छा कंट्री था, लेकिन वार स्टार्ट हो गया। तो आर्मेनिया, मेरा हिसाब से आर्मेनिया, जॉर्जिया और मोल्डोवा फिलहाल बेस्ट कंट्री है, तीन कंट्री में ट्राई कर सकते हो। और एक कंट्री है आपका अजरबैजान है, और आपका और एक कंट्री है आपका उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, लेकिन बेस्ट कंट्री आपको बता रहा हूँ मैं, आर्मेनिया बेस्ट कंट्री रहेगा। और आईटी इंजीनियर्स के लिए बहुत सारे आईटी इंजीनियर्स होते हैं जो इंडिया में काम करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, यूरोप में काम करने के लिए कोशिश करते हैं। यूरोप में फिलहाल स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूके, सब जगह में आईटी में काम है, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो एक कंट्रीज चाहते हैं कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है, जर्मनी में काम करने के लिए जर्मन लैंग्वेज चाहिए, स्वीडन में काम करने के लिए स्वीडिश लैंग्वेज चाहिए, फिनलैंड में काम करने के लिए फिनिश लैंग्वेज चाहिए, और इटली में इटालियन लैंग्वेज चाहिए। तो आप वेदर आप आईटी इंजीनियर हो या डॉक्टर या नर्सेस या कोई भी जॉब करना चाहते हो इन द यूरोपियन कंट्री, पहला लैंग्वेज सीखिए। इन्हीं लैंग्वेज को इंडिया में सीखने के लिए 2 साल लग जाता है, लेकिन आप ईस्टर्न यूरोप में जाकर पढ़िए ताकि कम पैसा में हो जाएगा। जैसे कि आपको मैं बता दिया, यूरोप में आप अगर लैंग्वेज कोर्स करने को जाओगे तो यूरोप में कम से कम आपको 10-12 लाख खर्चा आ जाता है यूरोप में, लेकिन उसी कोर्स को अगर ईस्टर्न यूरोप में करोगे आपको 5-6 लाख में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, इंक्लूडिंग आपका जॉब इन द यूरोपियन यूनियन। यह बता दिया आपको बिटवीन द एज ग्रुप 18 to 25 ईयर्स, और 25 से लेकर 35 साल जो है, 25 से लेकर 35 साल या 35 साल ले 35 टू लेकर 50 ईयर्स जो एक एज ग्रुप है, ये एज ग्रुप को मिलेगा नहीं, स्टूडेंट वीज़ा जल्दी नहीं मिलता है यूरोपियन यूनियन में, ठीक है, स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिलता है यूरोपियन यूनियन में, स्टूडेंट वीज़ा इवन लैंग्वेज कोर्स का भी नहीं मिलता है, बट आपको ईस्टर्न यूरोप में मिल जाएगा, आर्मेनिया, जॉर्जिया, मोल्डोवा, ऑल द सेंट्रल एशियन कंट्रीज में मिल जाता है। तो अगर आप एज ग्रुप बिटवीन 25 to 50 ईयर्स ओल्ड, तो आप ईस्टर्न यूरोप में जाकर लैंग्वेज सीखिए, फिर वहीं से आप जा सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, इंडिया में अगर इंडिया से आप अप्लाई करना चाहते हो और आपका एज ग्रुप है 25 से लेकर 50 साल, तो इंडिया में आप तैयार कर लीजिए 3 साल का इनकम टैक्स लेटर, 3 साल का इनकम टैक्स पेपर बना लीजिए, और आपके पास अगर पैसा है, ज़्यादा पैसा है, तो 3 साल का इनकम टैक्स पेपर बनाइए, और आपका घर का एड्रेस में आप प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बना लीजिए, और उसमें 2 डायरेक्टर का ज़रूरत रहेगा, तो आपका नाम रहेगा या आपका डैडी या आपका मम्मी या आपका ब्रदर, किसका नाम लेके एक प्राइवेट लिमिटेड लाइसेंस बना लीजिए। प्राइवेट लिमिटेड लाइसेंस का कैपिटल रखिए 10 लाख रुपया, इंडियन रुपीज़ 10 लाख रुपया रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, 1 लाख रुपया रखते हैं कैपिटल, तो 10 लाख कैपिटल वाला कंपनी बना लीजिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और उसमें खर्चा आएगा आपको 25-30 हज़ार खर्चा आता है, और आपका बैंक स्टेटमेंट बना लीजिए। बैंक स्टेटमेंट मतलब आपका जैसे ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाते हैं करेंट अकाउंट खोल लीजिए, और आपका पर्सनल अकाउंट सेविंग अकाउंट भी रहेगा। तो जैसे कि आपने 6 महीने के बाद आपको अप्लाई करना है यूरोप का वीज़ा, तो आप क्या कर लीजिए, बैंक में ट्रांजैक्शन करना चालू कर दीजिए, आपका आपका करेंट अकाउंट में, आपका सेविंग अकाउंट में, आपका रिश्तेदार से किसी से लेके 4-5 लाख रुपया लेके 1 लाख 2 लाख 1 लाख 2 लाख आप आपका दोनों अकाउंट में डिपॉजिट करिए, विड्रॉ करिए, डिपॉजिट करिए, विड्रॉ करिए, ठीक है। ऐसा करके ट्रांजैक्शन थोड़ा अच्छा बनाइए, 10-15 लाख का ट्रांजैक्शन बनाइए, 6 महीने के बाद आपका बैंक में आपका सेविंग अकाउंट एंड आपका करंट अकाउंट में अच्छा ट्रांजैक्शन दिखाई देगा। फिर 6 महीने के बाद आप कोई भी शेंगेन कंट्री, यूरोपियन कंट्री का वीज़ा अप्लीकेशन कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद आपको तुरंत 30 डेज़ का वीज़ा मिल सकता है, 30 डेज़ का। 30 डेज़ का वीज़ा मिलने के बाद आप क्या करिए, आपका जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे कोई भी कंट्री ट्रैवल करिए, वहाँ पर जाकर 30 दिन का आपको मिलता है। जाने से पहले उन कंट्री में जितने सारे रिक्रूटमेंट एजेंसी, जितने सारे कंपनीज होते हैं, वहाँ अप्लाई करते रहिए, जॉब अप्लाई करते रहिए, और आप बता दीजिए कि मैं ये डेट में आ रहा हूँ इस कंट्री को, मैं इंटरव्यू अटेंड कर सकता हूँ। तो मेरे वीडियो, बहुत सारे वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ, स्वीडन में कैसे नौकरी मिलेगा, फिनलैंड में कैसे मिलेगा, यूके में कैसे मिलेगा, नॉर्वे में कैसे मिलेगा, बेल्जियम में कैसे मिलेगा, स्विट्जरलैंड में कैसे मिलेगा, मैं हर वीडियो और कंट्रीज़ का वीडियोज़ बना चुका हूँ, तो आप मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। हर कंट्रीज़ में जॉब मिलने के लिए आपको ऑनलाइन ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ता है, आप जॉब पोर्टल्स के द्वारा अप्लाई कर सकते हो, आप कंपनीज़ का जो न्यूज़पेपर में आता है अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे कि आपको जर्मनी का वीज़ा मिल जाता है, तो आप जाने से पहले अप्लाई करते रहिए, ऑनलाइन अप्लाई करते रहिए, और वहाँ का रिक्रूटमेंट एजेंसी का लिस्ट बना लीजिए, मेरा जर्मन वीडियो में है, तो रिक्रूटमेंट एजेंसी को आप आपका CV भेज दीजिए, और आप बता दीजिए मैं ए डेट जर्मनी में रहूँगा, तो प्लीज़ मेरा इंटरव्यू अरेंज कर दीजिए, आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब।
करके आप कांटेक्ट करते रहिए। जर्मनी में जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होते हैं तो $500 से लेकर 1000 यूरो आपको चार्ज करते हैं उनका जो फीस, ठीक है। तो आप आने से कम 1-2 महीना पहले उनको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए और CV भेज दीजिए। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स करते हैं, ठीक है, ये मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं। फिर आप क्या करिए, जर्मनी चले जाइए। जाने के बाद आप जैसे पहुँचोगे, आपके पास 30 डेज टाइम रहता है, 30 डेज में रिक्रूटमेंट एजेंसी आपको हेल्प करेगा अलग अलग कंपनी में जाकर इंटरव्यू देने के लिए। अगर आपका लक अच्छा है तो आपको नौकरी मिल जाएगा। फिर आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करके, कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करके इंडिया आ जाइए। कंपनी आपके लिए वीज़ा अप्लाई करेगा, वर्क परमिट अप्लाई करेगा, लेकिन इंडिया में जैसे आते हो तो आपका वीज़ा आ जाता है। फिर इंडिया में जर्मन एम्बेसी, जर्मन कॉन्सुलेट में आपका वीज़ा एप्लीकेशन दे के आप वर्क परमिट में जा सकते हो। लेकिन इसमें थोड़ा चांसेस, ये जो प्रोसीजर बता दिया, चांसेस थोड़ा कम है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है। क्योंकि बहुत सारे कंपनीज इन द यूरोपियन यूनियन वो चाहते हैं कि लैंग्वेज, उनका लैंग्वेज स्पीकिंग करने वाला आदमी चाहिए। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आता है तो आपको ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा नौकरी पाने के लिए। तो सेम प्रोसीजर है, अगर आपके पास पैसा है, आप आर्मेनिया, जॉर्जिया, मोल्डोवा, अजरबैजान, ताजिकिस्तान, ये जो कंट्रीज में खुद का कंपनी बना लीजिए, खुद का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लीजिए। कंपनी बनाने के बाद आपको रेसिडेंस वीज़ा मिलता है, तो थोड़ा दिन रुकिए, फिर वहीं से आप यूरोप में जा सकते हो, लीगली जाके नौकरी ढूंढ के फिर वापस आ सकते हो। जर्मनी हो गया, नॉर्वे, UK, फ्रांस, कोई भी कंट्री आप दोबारा 2 साल में 2-3 बार ट्रैवल करोगे तो आपको वहाँ उस कंट्री ने 5 से लेकर 10 साल का वीज़ा दे देता है, लॉन्ग टर्म वीज़ा दे देता है। लेकिन एक एंट्री में 30 डेज आप रह सकते हो। तो ये एक रास्ता है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, इंडिया में कंपनी बनाइए, इंडिया से ट्राई कर लीजिए। आप फॉरेन कंट्रीज में खुद का कंपनी स्टार्ट कर लीजिए, फिर वहीं से ट्राई कर सकते हो। तो ये एज ग्रुप बता दिया, 25 to 50 ईयर्स ओल्ड का एज ग्रुप जो है। अगर आपके पास एजुकेशन कम है तो आप पैसा है तो ये प्रोसीजर अपनाइए, ये भी हो सकता है। नहीं तो आप लैंग्वेज ट्रेनिंग में जा सकते हो, ईस्टर्न यूरोप में कोई भी लैंग्वेज ट्रेनिंग सीख के यूरोप में एंट्री कर सकते हो। तो एज ए कंसल्टेंट मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कंपनी फॉर्मेशन इन आर्मेनिया, जॉर्जिया, आपका मोल्डोवा एंड रशिया, ऑल द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, तुर्की, ये सब कंट्रीज में आपको अगर चाहिए, आपको कंपनी बनाना है, कंपनी बनाकर आप वहीं से ट्राई कर सकते हो। या अगर आपको एज ए स्टूडेंट जाना है, लैंग्वेज सीख के जाना है, तो आप आर्मेनिया, जॉर्जिया, जो कंट्रीज बता दिया, एज ए स्टूडेंट वीज़ा में जाइए और वहाँ पर पढ़ाई करिए। 1 साल के अंदर आप इजीली यूरोप को शिफ्ट हो सकते हो। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इंजीनियर्स को मैं बताऊँगा, यूरोप में बहुत सारे काफ़ी जॉब्स है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, ईस्टर्न यूरोप में कोई भी कंट्री में जाकर स्टूडेंट वीज़ा में जाकर लैंग्वेज सीखिए, प्लस उस कंट्री में IT का कुछ ट्रेनिंग लीजिए। IT का आर्मेनिया के बारे में बात करूँगा, आर्मेनिया से काफ़ी सारे लोग पढ़ाई करके यूरोप चले जाते हैं। तो अगर आपको जाना है यूरोप तो आपको क्या करिए, आप आर्मेनिया जाइए या जॉर्जिया, मोल्डोवा जाइए, लैंग्वेज सीखिए, जो कंट्री आपका टारगेटेड कंट्री है लैंग्वेज सीखिए, लैंग्वेज सीखिए, उस कंट्री से इजीली आप यूरोप ट्रैवल कर सकते हो। क्योंकि इंडिया में ट्रैवल वीज़ा लगाने के लिए, वीज़ा स्टाम्पिंग के लिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, IT पेपर लाइए, बैंक स्टेटमेंट लाइए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं एम्बेसी, क्योंकि एम्बेसी में काफ़ी रश रहता है। इंडिया में जो दिल्ली में एम्बेसी है वहाँ पर इंडियन सिटीजन को, नेपाल सिटीजन को, श्रीलंका सिटीजन को एंड बांग्लादेश सिटीजन को वीज़ा स्टाम्पिंग होता है। बहुत सारे एम्बेसी जो नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में नहीं है, तो इन कंट्रीज़ के जो सिटीजन है इंडिया में आकर न्यू दिल्ली में स्टाम्पिंग करना पड़ता है, तो हैवी रश रहता है एम्बेसी में, तो बहुत सारे वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। तो अगर आप थर्ड कंट्री में एप्लीकेशन दोगे, अप्लाई करोगे वर्क परमिट या कोई भी वीज़ा, तो आपको 99% आपको वीज़ा मिल जाता है, रिजेक्शन नहीं होता है। तो ये मेरा एक ईजी वे था आपके लिए। अगर आप एक जाना चाहते हैं यूरोप में, तो आप डायरेक्ट कंपनी फॉर्मेशन के द्वारा जा सकते हो, या आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करके जा सकते हो, या स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू जा सकते हो कोई भी कंट्री। अगर आप इंटरेस्टेड हो यूरोप में काम करने के लिए थ्रू मेरा जो जितने सारे रास्ता बता दिया, इन्हीं रास्ते में जाना चाहते हो तो मैं आपको मदद कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको इलीगल तरीका से यूरोप में जाना आपको एडवाइस नहीं दूंगा, इसमें आपको काफ़ी खतरा रहता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। सर्बिया अल्बेनिया दो कंट्री है जो फिलहाल यूरोपियन यूनियन में नहीं है, इन्हीं कंट्रीज़ के द्वारा बहुत सारे इंडियंस एंड द इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज इन्हीं कंट्रीज़ में एंटर करके यूरोप में जाते थे। अभी 1 जनवरी में सर्बिया शायद इंडियंस को वीज़ा बंद कर देगा, हो सकता है अल्बेनिया में वीज़ा बंद कर देगा। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि एडवाइस दूंगा,
आप कोई भी कंट्री इलीगली मत जाइए, लीगली जाइए ताकि आपका फ्यूचर के लिए, आपके लिए, आपका परिवार के लिए ये सेफ रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मदद करूँगा कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड स्टूडेंट वीजास इन द ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, ताकि वहीं से आप यूरोप को इजीली मूव कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।